अपने होटल क्वारंटीन के बारे में, तो आपने कोविड टेस्ट वगैरह भी बुक करी थी, वो भी आई थी क्या आपके पास? या फिर उसमें कुछ नहीं था इस बार? नहीं था। आप सब लोग, तो आज मेरे साथ देखो कौन है, क्या नाम है आपका? दृष्टि वर्मा। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि अभी अभी होटल क्वारंटीन से फ्री हुए हैं 3 दिन पहले, है ना? हाँ। तो उस चक्कर में हम वीडियो बना रहे हैं आज कि कैसे क्या सब, जो जो अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए कि कैसे सब प्रोसीजर होता है। आपको ऑब्वियसली सब पता ही होगा, क्योंकि मुझे तो अभी बिल्कुल नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि अभी मैं और किसी ऐसे बंदे से मिला नहीं हूँ जो अभी होटल क्वारंटीन करके आया हो। तो आज की वीडियो के अंदर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड बताएंगे। और पीछे बैकग्राउंड देखो हमारा, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड है, बिजनेस स्कूल है, लाइब्रेरी है। तो आज वीडियो बनाएंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आज की वीडियो, और दिखाते हैं आपको आज की वीडियो के अंदर, बताते हैं सब कि कैसे क्या हुआ सब इस होटल क्वारंटीन में, ठीक है? तो बताओ आप फिर, सबसे पहले आप इंडिया में कहाँ से हो? सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं गुजरात से हूँ, बड़ौदा से हूँ, और यहाँ पे कौन सा कोर्स करना है? सस्टेनेबिलिटी का कोर्स करने आई हूँ, मास्टर प्रोग्राम है। सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। अच्छा, बड़ा ही लंबा नाम हो गया। मैंने यहाँ पे अभी तक मतलब ऐसा कोई फर्स्ट स्टूडेंट होगा जिससे सस्टेनेबिलिटी का सुना है मैंने। क्या मतलब कोर्स के बारे में, क्या मतलब फीस वगैरह कितनी है इस कोर्स की? फीस यहाँ की 16,600 pounds समथिंग। 16,600 pounds। अच्छा, मास्टर्स की एक साल की? तो एक ना साल। मेरी 16,400 है एक साल की, और मेरे को तीन या चार साल की अलग से, आपका एक साल है। तो आप स्पाउस वीज़ा पे हो यहाँ पे? मैं स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ। अच्छा, अभी आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो। तो इनका अभी सस्टेनेबिलिटी का कोर्स है, एक डेढ़ साल का कोर्स है, फिर मतलब एक साल का ही होता है, फिर डिसर्टेशन होती है, फिर जॉब लग जाएगी, बस इनका ये है। तो आपने वैसे मतलब ये कोर्स क्यों चूज़ करा? मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से बैचलर और मास्टर दोनों एनवायरनमेंट साइंस से किया था। अच्छा। तो मैं फर्दर ऐसा सोच रही थी कि किसी एक टॉपिक पे कंसंट्रेट किया जाए। अच्छा, तो इसलिए मैंने सस्टेनेबिलिटी चूज़ किया। अच्छा, तो मतलब डिमांडिंग लग रहा है आपको ये? हाँ, मतलब काफ़ी आगे स्कोप है। तो जो जो स्टूडेंट आ रहे हैं इनको कमेंट में बता देना कि कैसा कोर्स, मतलब उनसे पूछ लेना कि कैसा कोर्स है। आप कहोगे तो मैं इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा इनकी, इनसे डायरेक्टली पूछ लेना आप। तो अब आप मेन चीज़ बताओ ज़रा अपने होटल क्वारंटीन के बारे में। तो आपने कोविड टेस्ट वगैरह भी बुक करी थी, वो भी आई थी क्या आपके पास? या फिर उसमें कुछ नहीं था इस बार? नहीं था। मतलब हमारा होटल क्वारंटीन 10 days का होता है बेसिकली, और उतरने के बाद जब आप होटल पे रीच होते हो उसके बाद 2nd day को आपको कोविड टेस्ट मिलती है। वो होटल के अंदर ही मिलती है या फिर वो देते हैं? फर्स्ट डे मिल जाती है? नहीं। अच्छा, होटल वाली देते हैं। सेकंड डे वो आते हैं आपके पास और कोविड किट लेके जाते हैं। अच्छा। आपको सेल्फ टेस्टिंग करनी होती है यहाँ पे 2nd day और 8th day, और आपको ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन और वगैरह करना होता है, वो बुकलेट में लिखा ही होता है कैसे करना है। तो आपने करा था? हाँ। आपने खुद करा था या किसी? नहीं, खुद से ही करना होता है। अच्छा, वो खुद ही करना होता है। तो उसकी क्या फीस होती है? नहीं, कुछ कोई फ्री फीस नहीं, मतलब 1750 pounds में सभी इंक्लूडेड है। अच्छा, कोविड टेस्ट भी, कोविड किट भी। अच्छा, जो अभी जो स्टूडेंट सब 210 pounds दे रहे थे कोविड किट के, तो वो सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब 210 माइनस कर दो तो 1500 लगे अपने, वैसे तो 1700 ही गए जेब से, लेकिन 1700 pounds कितने हो गए, 1,75,000 कुछ हो गए, 1,76,500 थे ना कुछ पाउंड्स, इतने लगते हैं। तो 1,80,000 या फिर 185 के करीब कुछ ऐसे पाउंड लगते हैं, मतलब 185 lakh, 1,80,000। हाँ, मतलब 5% के करीब कुछ शायद ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। तो कोई नहीं, अब जो जो आ रहे हैं, जिन जिनको अगर यहाँ पे आने की वो है, जल्दी है। वैसे आपने क्यों सोचा था कि इतनी जल्दी आना, आप 1-2 महीने लेट क्यों नहीं आए? बस ये कोविड का टाइम चल रहा है तो फिर कुछ ऐसा बंद बंद हो जाए, और मैं 2 साल वैसे ही बिगाड़ चुकी थी कोविड की वजह से, तो मैं और टाइम मतलब वेस्ट करना नहीं चाहती अभी। हाँ, अभी क्योंकि यहाँ पे शायद पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं, इंडिया के अंदर कुछ ब्लैक फंगस वगैरह कुछ आया, सुना आपने? पता नहीं, ऐसा कुछ आया इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर अभी पता नहीं और भी कुछ होगा, तो इंडिया की वजह से शायद इंडिया को कुछ और ना कर दें कि कुछ स्टूडेंट ही ना आ पाए, तो इसलिए अभी आ गए 2 lakh खर्च करके, क्या पता आगे कुछ और ज़्यादा हो जाए तो 4 lakh ना खर्च करने पड़े या 6 lakh ना खर्च करने पड़े, इसलिए इन्होंने भी सोचा होगा कि अभी चले जाते हैं, क्या दिक्कत है। और फिर यहाँ पर आके मतलब कितने एक्सपेंसेस तो निकाल ही लेंगे, एक दो महीने लगेंगे, जॉब वॉब करेंगे, हो जाएगा। तो आपने होटल क्वारंटीन के अंदर मतलब होटल से बाहर नहीं निकल सकते, अलाउड नहीं होता? नहीं, 10-20 minutes का मतलब होटल के प्रीमाइसेस में आपको घूमना है,
तो घूम सकता है पर उसके बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा, अगर कोई मतलब कोई आसपास नहीं होगा उसका, अकेले ही घूम सकता है? अकेले रूम में भी अकेले ही होते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ रूम शेयर करना चाहे, जहाँ से आते हो ना आप, तब मतलब ऐसा इंक्लूडेड है कि 1750 प्लस, मतलब अगर आपके साथ कोई शेयर करा है तो उसका 650 या 600 पाउंड। अच्छा, 600 में मतलब फ्रेंड्स के साथ भी रह सकते हैं? हाँ, मतलब ओवरऑल खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, अगर साथ में रहेंगे तो 1200 कुछ के करीब का पड़ जाएगा। हाँ, 1700 प्लस 600 या फिर 700। हाँ, मतलब ऐसा भी कुछ है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो चिल्ड्रन हाँ, का भी कुछ। फैमिली का तो मैंने एक बताया था 500 कुछ लगता है शायद उसका, 300 शायद, पता नहीं कितना था। मैंने एक बार एक वीडियो के अंदर बताया मैंने कि पेरेंट्स और एक किड अगर आता है तो 2500 या 2700 में शायद कुछ हो जाता है। तो वो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, उसके अंदर वो देखना। तो इसमें मतलब फ्रेंड्स के साथ भी रह सकते हैं तो मैं श्योर नहीं था, पक्की बात है? हाँ, मेरी एक फ्रेंड ने किया हुआ था तो मेरे को पता था कि ऐसा कर सकता है। तो आपने क्यों नहीं करा? कोई मतलब कोई था नहीं ना, मैं अकेली आई थी। और ये भी मेरे को मतलब मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे को दिल्ली से मिली और वो वहाँ से ही जान पहचान हुई, तो मैं पहले से स्टेप नहीं ले पाई। अच्छा, जो आपकी फ्रेंड है वो दिल्ली से? अच्छा, तो फिर आप मतलब जैसे अगर आप जब आए वहाँ पे लंदन के अंदर जब एंटर हुए हीथरो एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से कोई आपको बस लेने आई थी होटल तक? हाँ, बस होती है। और मतलब आप जैसे ही फीस पेमेंट करोगे ना 1750, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी होटल है। अच्छा, तो पहले से आपको पता नहीं होता। होटल का नाम क्या था? मर्क्यूर हीथ्रो। अच्छा, तो आप मतलब जैसे बस में तो बहुत सारे लोग होते होंगे? हाँ, बहुत सारे। तो फिर इसमें कोविड का इनका वो क्या हुआ प्रिकॉशन? ये तो बड़े पागल है, फिर तो ऐसे 1700 पाउंड ले रहे हैं यार। तो मतलब इतने सारे लोग होंगे बस के अंदर, फिर कोविड से मतलब कैसे बचेंगे? ये तो गलत बात हुई यार, या तो इन्हें प्राइवेट कैब देनी चाहिए हमें। और एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी, जब बस से हम होटल चले जाते हैं फिर जब क्वारंटीन ओवर होता है तो उसके बाद हमें क्या बस वापसी हीथरो एयरपोर्ट छोड़ती है? उसके बाद आपको खुद अरेंजमेंट करना पड़ता है। अच्छा, होटल से डायरेक्ट जहाँ पे भी जाना है? तो आप होटल से यहाँ पे कैसे आए? हमने एक कैब बुक की थी। तो कैब के कितने चार्जेस लग गए? 172 से यहाँ तक का आपने उबर बुक करी थी? हाँ। दो जनों ने मतलब स्प्लिट कर लिया? हाँ। और क्योंकि बैग्स भी बहुत ज्यादा होती है ना, तो थोड़ा सा। आप कितने बैग लाए थे? मेरा 32 इंच था, 64 के थी। और लैपटॉप बैग अलग, हैंड बैग अलग। अच्छा, तो आप कौन सी फ्लाइट से आए थे वैसे? मैं विस्तारा से। विस्तारा चल रही है अभी? मेरे को लगा बैन कर दिया शायद, मतलब कुछ वो एयर इंडिया ही चल रही थी शायद मेरे हिसाब से अभी। तो आप मतलब वहाँ से हमें कोई दोबारा, मैंने सुना था कि एक्चुअली क्या होता है लंदन एयरपोर्ट से हमें होटल के अंदर लेके जाएंगे, फिर होटल से दोबारा हमें लंदन एयरपोर्ट पे छोड़ेंगे ताकि सबको आसानी हो, ऐसा कुछ नहीं था? और बस से भी आ सकते हैं क्या उसके बाद? वैसे वो तो अपना अपनी मर्जी है जिसको कम खर्चा करना। मतलब आई सजेस्ट कि ऐसा लगेज और वो सब होता है तो हम अकेले बस में ट्रैवल नहीं कर पाते। अच्छा, तो सही है, फिर कैब बुक करनी हो तो कैब से आओ, नहीं तो मैं भी कुछ ना कुछ करा दूंगा। अगर मैंने देख लिया मैसेज बाय चांस वगैरह तो फिर मैं आपको एक दो रेफरेंस दे दूंगा, उनके थ्रू आ जाना। वो शायद 140 या फिर 130 लेते हैं पर पर्सन, और अगर दो जने होते हैं तो शायद वो भी 160-170 लेते हैं, क्योंकि बड़ी कार चाहिए होती है ना उसके लिए। क्या पता एक एक तो 200-200 भी लेते हैं कोई कोई तो, क्योंकि वो और बड़ी कार लेके आते हैं, वो तीन जने भी लेके आते हैं। जितनी बड़ी कार उतना ज़्यादा एक्सपेंस होता रहता है, तो बस इसलिए। और फिर आपने उसके अलावा कोविड टेस्ट किट एक हमें खुद भी बुक करनी होती थी, तो आपने वो पहले से बुक करी थी या उन्होंने अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली? ऐसा कुछ नहीं था। आपने पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वगैरह में कुछ था क्या? उसके अंदर कोविड किट का कुछ रेफरेंस देना होता है शायद, आई गेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ऐसा था कि 48 आवर्स के पहले आपका कोविड टेस्ट होना चाहिए। आपने कराया था? हाँ, वो करवा के रखा था। अच्छा, तो वो कराते हैं। और आपको इमिग्रेशन पे कितना टाइम लग गया था? बस 5 मिनट। और ज्यादा लोग थे मतलब फ्लाइट वगैरह भरी हुई थी? भरी हुई थी फ्लाइट? इतने सब लोगों ने पैसे खर्च करे मतलब यूके आने के लिए, इंडिया से जो आ रहे थे भाई साहब। मैं कितनों के साथ वीडियो बना सकता हूँ फिर तो, ऐसे पीछे पूरा ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे तो। लेकिन अभी तो एक एक करके बनाएंगे, तो आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो। और वैसे अगर आपके यहाँ पे एकोमोडेशन के कितने चार्जेस लग रहे हैं अभी? मेरा 250। प्राइवेट प्राइवेट करें इसलिए 450। टू बेडरूम हाउस है? हाँ। उसके अंदर आप दोनों स्प्लिट कर रहे हो तो आपका सस्ता पड़ रहा है? हाँ। अच्छा, ऑल बिल्स इंक्लूडेड इन 250? हाँ। अच्छा, 250। और CV1 के अंदर ही है इनका, और यहाँ पे सारे अभी लोग आ गए यूनिवर्सिटी के बाहर, सारे स्टूडेंट्स आ गए, बड़ा शोर कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी एडजस्ट कर लेंगे।
तो आपके मतलब सब बिल्स इंक्लूडेड है और ये पीछे यूनिवर्सिटी है इनका, बस यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग पे, और मेरा इस तरफ है, इनका इस तरफ है, मतलब पास में ही है वैसे तो हम दोनों का, लेकिन सही है। तो अब जॉब का क्या प्लान है, जॉब फिर यहीं पे करोगे अब या फिर जॉब नहीं करनी? नहीं करनी, जॉब तो करनी पड़ेगी। और NI नंबर वगैरह के लिए अप्लाई करना है, वो आपको सब पता कुछ हो गया है, बैंक अकाउंट भी हो गया, NI नंबर का रेफरेंस भी, मतलब NI का रेफरेंस नंबर भी आ गया है। तो वो सब ऐसी हो जाता है, बस 5-10 मिनट का काम होता है, एक मतलब एक चीज करने में 5-10 मिनट लगते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करने में खाली 5 मिनट लगते हैं, NI नंबर का कॉल करने में उसमें आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि वो कॉल नहीं उठाते पहले तो 10-15 मिनट तक, उसमें बहुत देर लगती है। नहीं, मेरे को अभी कॉल वाला नहीं, अभी आप कॉल अच्छा, करोगे तो ऑटो ट्यून, हाँ ऑटो ट्यून आ जाता है, फिर आप उस वेबसाइट पे जाके। और हाँ, मैंने एक वेबसाइट पे सर्च किया, वो जो बोले थे ना वही वेबसाइट पे गई थी, पर वहाँ पे पेमेंट का आया था, तो मेक श्योर कि वे पेमेंट का ना आए और आप ऑफिशियल साइट पे से भरो। अच्छा, उसमें भी फ्रॉड होता है। मेरे पास 68 पाउंड आया था, तो अगर मैंने डिटेल डाल दी होती तो फिर वो, मेरे पास आज सुबह एक मैसेज आया कि आपकी HSBC से पेमेंट कटी है, तो मेक श्योर करो कि आप हो, कि आपने करी है कि नहीं करी है, उस लिंक पे क्लिक करो। और HSBC में मेरा कोई अकाउंट ही नहीं है, पागल बना रहे हैं ये तो, बताओ यार। मैंने एक पहले इससे पहले एक वीडियो भी बनाई थी स्कैम के ऊपर, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया इससे रिलेटेड, तो ऐसे कुछ क्लिक विल मत करा करो, फालतू की चीज़ें होती है। तो एनीवेज गाइस, आपको और कुछ सजेस्ट करना है स्टूडेंट्स को कि और कैसे आ सकते हैं? नहीं बस, तो अगर जितना कुछ था और चाहिए तो फिर कमेंट करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन भी दबाओ, ठीक है। तो गाइस एंड करते हैं आज की वीडियो, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करो, और बाय बाय गाइस।